हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड गिनी के जुलाई फ्यूचर्स करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है, आपको किस तरह का मोमेंटम फेज आपको करंटली देखने को मिल रहा है, जो कि आपको बताया कि एक अच्छे खासे वॉलेटाइल एज वेल एज एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के हिसाब से करंटली गोल्ड गिनी 38,165 के आसपास करंटली ट्रेड हो रहा है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर ध्यान से सुना होगा तो उसके अंदर मैंने जो प्राइस लेवल बताया था बाय करने का, जो भी गोल्ड गिनी के अंदर आपको लॉन्ग पोजिशन लेनी हो तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पर हमने प्राइस लेवल बताया, दैट इज नियरली ये वाला जो प्राइस लेवल था वो हमने यहाँ पर आपको मार्क कराया था, जो कि ये जो लेवल है वो कल ब्रेक नहीं कर पाया और कल पूरे दिन इसने कंसोलिडेट जरूर किया। और उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छा सा दैट इज एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने एक ओपनिंग दी और आप देख सकते हो करंटली अगर आप यहाँ पर दैट इज नियरली 38,060 के आसपास भी बाय करें, दैट इज 158 पॉइंट के नियर बाय करंटली ट्रेड हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 90 पॉइंट से 100 पॉइंट तक के जो टारगेट अपसाइड डायरेक्शन के अंदर वो आपके यहाँ पर अचीव हो गए हैं। सो अगर आपने ये वीडियो पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी आप देख सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि हमने जो लेवल्स बताए थे कि वो एकदम अप टू द पॉइंट टारगेट हिट हो रहे हैं या नहीं। अगर मैं बात कर लूँ ये तो जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो ऑलमोस्ट निकल ही गई है, अगर हम ऐसा मार्क कर सकते दैट इज आप देख सकते हो दैट इज 38,164 ऑलमोस्ट टारगेट 100 पॉइंट का पर हिट हो चुका है। जिसने भी यहां पर ट्रेड लिया उन सबको कांग्रेचुलेशन, और अगर जिसने अगर आप इंट्राडे लेवल के अंदर अगर आप अभी नई पोजीशन अगर यहां पर बनाते हो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से रिस्की जरूर हो सकता है, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर एक अच्छा सा वॉलेटाइल एज वेल एज एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको यहां पर पहले से देखने को मिल चुका है। ऑल्दो ये R3 तक भी जा सकता है और नियरली यहां से आके फिर से रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हो कि सुबह से यहां पर जो वॉल्यूम कैंडल्स है उसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, या फिर अगर से मतलब आपको नई पोजीशन फॉर अ बाय पोजीशन बनानी भी हो तो मेरे हिसाब से R3 अगर अच्छे से आज ब्रेक हो जाता है दैट इज 38,220 कि वो अगर ऊपर जाता है तो ही आपको बाय पोजीशन बनानी चाहिए और टारगेट आपका इंटरडे लेवल के लिए फॉर अ टाइम बिंग 50 पॉइंट 60 पॉइंट ही होना चाहिए। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अभी बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा अप ट्रेंड आपको गोल्ड गिनी के फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमें सिग्नल MACD ने तो कब का दे दिया था बाय का, और उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर RSI तो RSI भी काफ़ी बुलिश है, तो मेरे हिसाब से आपको वॉचआउट करना चाहिए कि कौन से लेवल पे ये आके टर्न अराउंड लेता और वहां पर आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन अच्छे से बना सकते हो। अगर समझ लो 2 या 3 बेरिश कैंडल अगर आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है तो आप डाउन साइड पे आप शॉर्ट पोजीशन में भी पैसा यहाँ पर कमाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, और सपोर्ट लेवल आपका रहेगा नियरली 38,050 का लेवल। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।